सुप्रभातम, नमस्कार, वंदे मातरम। प्रातःकालीन इस मंगल वेला में माँ शारदे को सच सच नमन करते हुए प्यारे बच्चों ऑनलाइन क्लास में रुचिरा पाठ्य पुस्तक भाग द्वितीय के दशम पाठ समवायो ही दुर्जय में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम दसवें पाठ को पढ़ेंगे। समवायो ही दुर्जय का हिंदी अर्थ है संगठन में ही शक्ति होती है। संगठन मजबूत, हर परिस्थिति से व्यक्ति लड़ सकता है, चाहे कितनी भी कठिन विपरीत परिस्थितियां क्यों न हो। प्यारे बच्चों, जब भी आप ऑनलाइन क्लास लेके बैठे, आप अपनी पाठ्य पुस्तक कॉपी पेन को साथ में लेके बैठे, ताकि आपको जो भी समझ में आ रहा है, कठिनता लग रही है, उसको लिख लें और पाठ का वाचन करेंगे। तब आपको उंगली रखते हुए पाठ को पढ़ते जाना है, मेरे साथ में हिंदी अनुवाद को भी समझते जाना है। प्यारे बच्चों, आइए पाठ का वाचन करें। उसके पहले पाठ के अंदर आए गए जो कठिन शब्द है उनका निवारण करते हैं। शब्दार्थ आपके समक्ष लिखे हुए हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। शून्य शून्य से निडर यानी घोसले को, विशेषणानी यानी नष्ट हो गए, तमुपेत्य उसके पास जाकर, निमिल्य यानी बंद करके, त्रिशार्थ त्यास से पीड़ित, गर्दह यानी गड्ढा, बहुनाप्य सारणा यानी अनेक निर्गुणों का समूह, अनुसृत्य अनुसरण करके, पतितः गिर गया, चोक्तम कहा गया, दुर्जयः कठिनता से जीतने योग्य, समवायः समूह संगठन, स्फोट इष्यति यानी फोड़ देगा, गर्त यानी गड्ढा। प्यारे बच्चों, ये तो पाठ में आए कुछ कठिन शब्दार्थों को आपने पढ़ा, और अब तक के जितने भी पाठ में शब्दार्थ आए हैं उनको याद करना है, ताकि आपका अभ्यास कार्य सरल रहे और पाठ को हिंदी अनुवाद में आपको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं आए। आइए बच्चों, पाठ्य पुस्तकों को लेते हैं और प्रश्न संख्या 61 में आप देखें, एकादश पाठ समवायो ही दुर्जय यानी संगठन में ही शक्ति होती है। आइए प्यारे बच्चों, कठिन शब्दार्थ के पश्चात हम पाठ का वाचन करते हैं। आप भी मेरे साथ में उंगली रखते हुए वाचन करते जाएं और हिंदी अनुवाद को समझते जाएं। आइए शुरुआत करते हैं। पूरा एकस्मिन वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। एक समय की बात है, एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्याः संततिः जाता, समय ने उसको चिंता में रख दिया। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोटयत्। एक दिन क्या हुआ प्यारे बच्चों, एक वृक्ष पर स्वाभाविक है नाना प्रकार के चिड़ियाँ जानवर रहते हैं। वृक्ष पर चिड़िया रह रही थी, है ना, और वृक्ष पर चिड़िया घोंसला बनाया हुआ था। पर एक दिन क्या हुआ, मदमस्त हाथी, अपन कोई मस्ती से जा रहा तो क्या हाथी जैसी चाल है, गजराज जैसी चाल है, उसको उदाहरण के तौर पर कहते भी है, तो सबको विदिति है हाथी की चाल मदमस्त होती है, अपने आप में वो मस्त रहने वाला है। तो हाथी मदमस्त होता हुआ आया और वृक्ष के नीचे आकर के सूंड से वो शाखा को रगड़ने लगा, तोड़ने लगा, और उसकी शाखा थी वो टूटकर नीचे गिर गई। चटकाया निडर भूमि अपतत, जैसे ही जिस शाखा पे जो जितने घोंसले थे वो जमीन पर गिर गए। तेन अंडा ने विशीर्णा ने, और स्वाभाविक है प्यारे बच्चों, घोंसलों में अंडे होते हैं तो वो नीचे टूटकर बिखर गया। अर्थ सा चटका व्यलपत, माँ को अपने बच्चों का दुख सहन नहीं होता है। जैसे बच्चे चिड़िया ने अंडे दिए थे, वो नीचे गिरा घोंसला, अंडे फूट गए और चिड़िया ने देखा, बहुत ही दुखी हो गए और विलाप करने लगी। तस्या विलाप श्रुत्वा काष्ठकूटा नाम खग दुखेन ताम अप्रच्छन्। दूसरे जानवर भी, पक्षी भी उस पर वृक्ष पर रहते थे, तो चिड़िया का विलाप सुन करके काष्ठकूट नाम का जो जिसको सुथार कहते हैं अपना आम भाषा में, उसने चिड़िया को विलाप करते हुए देखा और पूछने लगा, भद्रे
किमर्थम विलपसि, देवी क्यों विलाप कर रही हो, इस प्रकार की वो बात करने लगा। चटका वरद दुष्ट ने केन गजेन मम संपत्ति ही नाशिता। फिर चिड़िया कहने लगी, दुष्ट हाथी ने, दुष्ट गजराज ने मेरे बच्चों को मार डाला, नाश कर डाला। तस्य गजस्य वधेनेव मम दुखम अपसरेत। जब तक मैं उस हाथी का वध नहीं करूंगी तब तक मेरी तकलीफ पीड़ा नहीं जाएगी। एक माँ होती है अपने बच्चों का दुख नहीं देख सकती है, और दूसरे द्वारा जब दुखित किया जाता है तो उसका बदला जब तक नहीं लेगी तब तक उसको शांति नहीं पड़ेगी। ये उसका वात्सल्य प्रेम है, उसका ममत्व है बच्चों के प्रति। तथा काष्ठकूट ताम मृणारवा नाम्या मक्षिकाया समीपम अनेक। अब क्या होता है कि जो काष्ठकूट नाम का जो पक्षी है वो उसको वो कहता है कि बहन चिंता मत कर, मेरे भी मिलने वाले हैं, मेरे भी मित्र हैं, मैं उनके पास ले जाता हूँ और कुछ उसका सुलह करता हूँ। मृणारवा नाम की एक मक्खी है, उसके पास में वो जाता है। तयो वार्ताम श्रुत्वा मक्षिका वदत ममापि मित्रम मंडूक मेघनादः अस्ति। वो क्या होता है कि वो अपने मित्र जो मक्खी है उसके पास में, मृणारवा के पास में काष्ठकूट है, वो जाता है और अपनी जो आप बीती है चटिका की यानी चिड़िया की वो उसको सुनाता है। ममापि मित्रम मंडूक मेघनादः अस्ति। जब काष्ठकूट की बातचीत को मक्खी ने सुनी तो मक्खी ने भी कहा कि मेरे भी एक मित्र है, मेरे भी एक मित्र है मेघनाद करके मेढक, चलो अपन उसके पास में चलते हैं। शीघ्र तमुपेत्य यथोचितम करिष्यामः। फटाफट हम सभी उसके पास में जाते हैं और तुम्हारी समस्या का समाधान करते हैं। तदानीं तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं न्यवेदयताम्। चिड़िया, काष्ठकूट और मक्खी तीनों उस मेढक के, मेघनाद नामक मेढक के पास में जाते हैं और अपना संपूर्ण वृत्तांत उसको सुनाते हैं। आइए मेरे बच्चों, मेढक ने वृत्तांत सुनने के बाद में क्या निर्णय लिया, क्या कहता है, उसको अपन पाठ वाचन के दौरान जानते हैं। मेघनादः अवदत्। मेढक, जो मेघनाद नामक मेढक था, उसने कहा, यथा हम कथयामि तथा कुरुतम, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही तुमको करना है। ये किसने कहा? मेढक ने कहा। किसको कहा? चटका यानी चिड़िया, काष्ठकूट और मक्खी को। प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दं कुरु। सर्वप्रथम तुमको क्या करना है, मक्खी है वो दोपहर में जब हाथी लेटता है तब उसके कान में जाके तुम्हें आवाज करनी है। मक्खियां बिन 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 आती है, वैसे तुमको वो करना है। ये ना सनायने निमिल्य स्थास्यति। जब मक्खी उसके कान में बिन बिन आएगी तब काष्ठकूट नाम का जो पक्षी है उसके आंखों को खोल डालेगा। तदा काष्ठकूट चंचला तस्य नयने स्फोटयिष्यति एवं सह गज अंध भविष्यति। जैसे ही काष्ठकूट नाम का जो पक्षी है वो गज के, हाथी के आंखों को खोल डालेगा तो स्वाभाविक है हाथी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अंधा हो जाएगा, उसको कुछ भी दिखेगा नहीं। आप प्यारे बच्चों अपने दो मिनट के लिए आंखें बंद कर दो, क्या आप आंखें बंद करोगे तो कुछ भी दिखाई देगा? कुछ भी नहीं दिखाई देगा। आंखों के नहीं होने पर व्यक्ति अंधा हो जाता है और कुछ भी देख नहीं सकता है। एवं सह अंध गज अंधा भविष्यति। इस प्रकार से हाथी अंधा हो जाएगा। तेषातः सह जलाशयं भविष्यति। फिर क्या होगा प्यारे बच्चों, जब उसको प्यास लगेगी तो वो प्रतिदिन की भांति जलाशय पे, तालाब पे में पानी पीने जाएगा। मार्गे महान गर्तः अस्ति। जहाँ वो हाथी है वो पानी पीने जाएगा तो रास्ते में बहुत बड़ा गड्ढा है। ये कौन कह रहा है? मंडूक कह रहा है, मेढक कह रहा है, मेघनाद किसके लिए कह रहा है? यहाँ पर प्यारे बच्चों हाथी के लिए कह रहा है।
तस्य अंति के अहम स्थास्यामि शब्दम च करिष्यामि। फिर क्या होगा कि जैसे ही वो तालाब पे पानी पीने के लिए जाएगा हाथी, तो रास्ते में तो गड्ढा है इसे बहुत बड़ा, तो मैं क्या करूंगा उस गड्ढे के पास में जाके ने बैठ जाऊंगा। मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम मत्वा स तस्मिन् नेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च। जैसे वो गड्ढे के पास में हाथी आएगा, मैं टर्र टर्र करके अपनी आवाज को निकालूंगा, तो वो हाथी क्या समझ जाएगा कि हाँ भाई अब मेढक भी टकराने लग गए बोल रहे हैं, और मेढक पानी के आसपास में टकराते बोलते तो निश्चित तालाब आ गया है, यूं करके वो पानी पीने के लिए उस गड्ढे में उतर पड़ेगा। जैसे ही हाथी गड्ढे में उतरेगा, गिरेगा, वो मर जाएगा। इस प्रकार से उन्होंने बहुत ही तगड़ी प्लानिंग बनाई प्यारे बच्चों। किन्होंने बनाई? जानवरों ने। कैसे बनाई? संगठित होकर बनाई। इसलिए हमें ये शिक्षा भी मिलती है कि हमेशा हमें संगठन में ही रहना चाहिए। कमजोर संगठन में जो ताकत होती है वो शक्तिशाली एक व्यक्ति में नहीं होती है, वो उसको भी मार गिराता है। अथ तथा कृते स गज मध्याने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य मत गर्तस्य अंतः पतितः मृतः च। आखिर क्या होता है प्यारे बच्चों, उन्होंने जो प्लानिंग की थी उसमें उनको सफलता हासिल हो गई, क्योंकि उनको पता था कि संगठन में शक्ति है। छोटे छोटे कमजोर कड़िया मिल गई तो उनका एक संगठन बन गया, एक समूह बन गया, और वो शक्तिशाली हाथी कितना शक्तिशाली होकर के भी अकेला हो गया, निर्बल हो गया। तो जैसे ही वो हाथी उस गड्ढे में गिरा, मर गया गिर करके भी। तथा चोक्तम, इसलिए कहा गया है बहु नाम प्य साराणाम समवायो ही दुर्जय, अर्थात बहुत सारे छोटे छोटे निर्बलों के मिलने से भी एक बहुत बड़ा मजबूत और सशक्त संगठन बन जाता है। इस पाठ के माध्यम से प्यारे बच्चों, पूर्व पाठ में हमने विश्व बंधुत्व को पढ़ा, उसमें भी यही बात कही है। देखो प्यारे बच्चों, हर पाठ में कोई ना कोई बड़े बड़े संदेश है जो हमारे जीवन को उन्नति के लिए अग्रसर करते हैं और प्रेरित करते हैं। हमें हमेशा विश्व बंधुत्व वसुदेव कुटुंबकम की भावना से रहना चाहिए। संपूर्ण विश्व एक होकर के रहेगा तो सबका विकास होगा। ठीक उसी प्रकार से छोटी छोटी जो कमजोर कड़ियां हैं वो मिलकर रहेंगी, समूह में रहेगी, तो निश्चित एक शक्तिशाली हाथी को भी उन्होंने मार गिरा है अपनी छोटी सी प्लानिंग से, समूह एकता के कारण। तो आप भी अपने घर परिवार समाज गांव जिला राज्य राष्ट्र को बांटे नहीं, सब मिलकर रहें, एकता के साथ रहेंगे, तभी जो ताकतवर देश हैं वो हमारे देश पर हमला करने से बाज आएंगे। क्योंकि अपना देश संगठित रहेगा, मजबूत रहेगा, तो जो जहां पर मजबूती है, जहां पर संगठित है, जहां पे एकता है, वहां पर कोई किसी का बिगाड़ नहीं सकता है। भले वो मारने के प्रयास करे, पर वो हमेशा हमारे उसके जो नापाक जो मंसूबे हैं वो उसमें सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों, चाहे क्लास में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे विद्यालय में हो, कहीं पे भी हो, हम सबको एक साथ मिलकर रहना आवश्यक है। अगर आप भीड़ से अलग निकले तो क्या होगा? बट जाओगे, टूट जाओगे। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा बरसात के दिनों में या जब कभी भी आधी तूफान आता है तो एक गंगोर मन होता है, उसमें से एक भी वृक्ष नहीं गिरता है। पर सड़क के किनारे या बंजर भूमि में यदा कदा कहीं एकाध छोटे बड़े जो वृक्ष होते हैं दूर दूर रहते हैं, उनका कोई समूह नहीं होता है, एक थोड़ी सी आधी तूफान आने से वो वृक्ष जड़ सहित गिर जाता है, और एक समूह में खड़े हुए कमजोर वृक्ष हैं वो टिके हुए रहते हैं, मजबूती के साथ में रहते हैं। इसलिए इस पाठ के सारे संदेश आप अच्छे से समझ गए हैं, मुझे विश्वास है आप भी अपने जीवन में संगठित होकर रहेंगे, चाहे परिवार हो, चाहे क्लास हो, चाहे शाला परिवार हो, और कहीं पे भी हो, आप मिलकर रहेंगे। प्यारे बच्चों, आज हमारे रुचिरा पाठ्य पुस्तक के जो एकादश पाठ है वो यही संपूर्ण होता है। अभ्यास कार्य फिर अगली ऑनलाइन क्लास में करेंगे।
आज की ऑनलाइन क्लास में बस इतना ही। प्यारे बच्चों, समूह की बात होती है, आप सभी महामारियां कितनी भी आएगी उसके जो गाइडलाइन है, उसकी जो पालना है, उसको बराबर करोगे तो ये महामारियां भी, बड़ी बड़ी महामारियां आकर के यूं चुटकियों में निकल जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना है, जो अपने कर्तव्य है उनका पालन करना है। आपकी ड्यूटीज क्या है प्यारे बच्चों? मास्क लगाना, सैनिटाइज होना, सोशल डिस्टेंसिंग को मैनेज करना, भीड़ वाली जगहों पर कभी भी ना जाए। साथ ही यहाँ वो भीड़ में नहीं जाने की बात नहीं हो रही, अभी महामारी से बचने के लिए, क्योंकि महामारी भीड़ से फैलती है, इसलिए तुमको भीड़ से दूर रहना है और आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकले, वरना नहीं निकले। प्यारे बच्चों, आप सुरक्षित, आप स्वस्थ, देश सुरक्षित। आज के ऑनलाइन क्लास में बस इतना ही। मुझे आज्ञा दें अगली ऑनलाइन क्लास के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। प्यारे बच्चों।